गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात की जाए उसके महत्वपूर्ण एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज़ को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे पहले क्या किया था, एक वादा किया था कि साथियों करेंट अफेयर्स एनसीईआरटी के सभी विषयों के एमसीक्यू और साथ ही साथ ज्ञान बिंदु के जितने भी सेट है उसको कंप्लीट करने का, तो वह जो है हम लोगों ने उसको पूरा किया है और इसका प्रारंभ जो है हो चुका है। तो एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यूज है। इसके बाद आपको धीरे धीरे मेडाइवल, फिर उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके बाद अगर बात की जाए तो आपका इकोनॉमिक्स का सेशन आएगा। इस तरीके से करके हम तमाम एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को कवर करेंगे और साथ ही साथ आपको जितने भी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को डिस्कशन किया जाएगा, किसी भी प्रश्न को छोड़ा नहीं जाएगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के चार सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे सबसे बड़े राज्य को बताना है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और ज़्यादा से कम की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा, फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दो। दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो यह द्वीप हो जाएगा आपका रामेश्वर, रामेश्वरम जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा और इसे पम्बन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीन। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह आपको जैसे एक इसका कोड था, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ऐसा हम लोगों ने एक कोड किया था गमछा झाड़। अब देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, देखिए यहाँ पे त्रिपुरा है मिजोरम है ना, प से पश्चिम बंगाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग से आप गुजरात को ले लीजिए, म से आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, छ से आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झ से आपका जब पूरा इसको ले लीजिएगा होल का तो यह क्या आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, और नहीं तो एक और ले लेंगे इसका र तो राजस्थान आ जाएगा। तो इस तरीके से कोड किया गया। तो यह सारे के सारे जो हैं वह इन सारे के सारे जो है राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चार। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम क्या है, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो यह इसका शुरुआत में हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, क्षेत्रफल का। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या पाँच। पांचवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह मुंगा चट्टानों से निर्मित है। मुंगा चट्टानों की अगर बात की जाए तो यह हो जाएगा आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। मुंगा चट्टान को हाईलाइट करते हैं, लक्षद्वीप जो है वह समूह जो है वह मुंगा चट्टानों से निर्मित हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएँ बांग्लादेश को स्पर्श करती है। तो देखिए बांग्लादेश को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य की जो सीमा है वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या सात। सातवें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रमशः कौन सा स्थान है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से अगर बात की जा रही है, ठीक है, तो जनसंख्या के मामले से वर्तमान में अगर बात की जाए तो भारत प्रथम स्थान पर आ गया है, ठीक है। भारत जो है जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। अब बताइए यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, तो चूंकि यह प्रश्न जिस समय बना था उस समय भारत प्रथम रैंक पर जनसंख्या में नहीं गया था, ठीक है। तो जनसंख्या में भारत की अगर बात की जाए तो भारत का रैंक हो जाएगा प्रथम, ठीक है। और क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या में प्रथम बोल दिए, और क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में भारत का स्थान हो जाएगा सातवां, ठीक है। प्रथम स्थान हो जाएगा आपका रसिया का, फर्स्ट पे कौन है, रसिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका कोई भी आपका आंसर नहीं बनेगा, आप एग्जैक्ट फैक्ट को जान लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। आठवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म इसमें से कौन है। नेपाल के पड़ोसी जो भारतीय राज्य हैं उनका युग्म आपसे पूछा गया है, तो यह हो जाएगा आपका जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, सिक्किम और बिहार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत का भूभाग लगभग कितना प्रतिशत है। तो यह एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.40%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82° 30' है ना, 82.5 डिग्री की अगर बात की जाए, वह पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा कथन जो है वह आपका सही नहीं है। देखिए सही नहीं है, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में सही है पढ़ के निकल जाते हैं, तो हमेशा अभी अभी जो ट्रेंड चला हुआ है क्वेश्चन का उसमें अंतिम में क्या कर देता है, इनमें से कौन उपयुक्त नहीं है, ऐसा कर देता है। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे, समझ के आगे जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को एग्जामिनेशन में तो जरूर ही आराम से पढ़ेंगे। तो पूछा गया है कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये क्या कह रहा है कि यह भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, यह आपका सही नहीं है, यह गलत है। और क्या सही है, तो यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, तो यह सही है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है, तो यह भी सही है। और सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि यह रेखा इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरती है, तो यह आपका सही है, ऑप्शन डी नंबर आपका गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है। अगर बात की जाए भारतीय तटरेखा की, तो उसकी कुल लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। तो यह जो है 9 डिग्री चैनल की अगर बात की जाए, तो यह लक्षद्वीप और मिनिकाय को क्या करता है, अलग करता है। इसके माध्यम से अगर आपसे यह भी पूछ जाए कि 9 डिग्री चैनल के माध्यम से कौन सा अलग होता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकाय समूह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, यानी कि अगर बात की जाए तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए, तो यह आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो किसी भी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका अधिकतम प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर पूरा देखेंगे, चूंकि यह एंटरटेनमेंट नहीं है, यह आपका एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो कंप्लीट सेशन को करेंगे। और जब आप कंप्लीट सेशन करेंगे, एग्जामिनेशन में आप जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई यह सेशन कितना महत्वपूर्ण था। अगर आप मिस करते हैं तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, सेशन को कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से संबंधित है। अगर बात की जाए कुडप्पा शैल समूह की, तो वह हो जाएगा पापाघानी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पापाघानी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये प्रश्न में पूछा है कि शैल श्रेणी कुडप्पा शैल समूह से, यानी कि शैल श्रेणी आपको बताना है, ठीक है, जिसका संबंध कुडप्पा शैल समूह से है, तो वह हो जाएगा आपका पापाघानी। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सिक्किम से होके गुजरने वाला जो अक्षांश है वह निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर भी गुजरता है, यानी कि जो सिक्किम से होकर अक्षांश गुजरता है वह गुजरात से भी होकर गुजरता है, तो ऐसा कौन हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है, इसका हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, ठीक है, सबसे अधिक पूर्व की अगर बात की जाए, तो यह हो जाएगा आपका हैदराबाद। हैदराबाद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं लगती। देखिए यहाँ पे नहीं जो दे देता है वो ट्विस्ट कर देता है, नहीं लगती है, तो यह हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय आपका सही आंसर होगा, जबकि सिक्किम, अरुणाचल और पश्चिम बंगाल जो है उसकी भारत की जो राज्य की सीमाएँ हैं वह भूटान से लगती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18।
18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग्म म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है, यानी कि म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाला वह कौन सा भारतीय राज्य का युग्म है। तो यह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिजोरम भी और मणिपुर ये दोनों म्यांमार से टच करता है, सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर बात की जाए एवं ग्रीनविच माध्यम समय जो है वह उसमें कितना अंतर पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं 5.5 घंटा का अंतर रहता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। तो यह क्या होता है, देखिए यह जो है अध्यारोपित सीमा है, ऐसा कोई नहीं है इसका मानक है, यह खींच दिया गया था, यह रेडक्लिफ महोदय के द्वारा क्या किया गया था, एक सीमा इस दोनों के बीच खींच दिया गया था, इसे ही क्या मान लिया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह सीमा है। और यह कोई ऐसा नहीं कि नक्शा फ्रेम के आधार पर, कुछ एक हिसाब से उन्होंने एक पैमाना करके वहाँ पे एक लाइन खींचा था और इसीलिए इसे अध्यारोपित कहते हैं, ठीक है, यह पक्का नहीं है, अध्यारोपित सीमा है, तो इसी को माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो वह निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, यानी कि किसको अलग करता है। तो यह मिनी काय को मालदीव से अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है, यानी कि दिल्ली के सबसे अगर नज़दीक की बात की जाए उस देशांतर पर बेंगलुरु स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, सबसे ज़्यादा लंबा स्थलीय सीमा हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएँ 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। देखिए प्रश्न को फिर से पढ़िए कि भारत के किस प्रदेश की जो सीमा है, यानी कि एक प्रदेश है जिसकी सीमा 3 देश से लगती है, किससे, नेपाल, भूटान एवं चाइना से। तो यह हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम का क्या होता है, सिक्किम क्षेत्र का जो सीमा है, ठीक है, वह 3 देश से लगता है, जो नेपाल है, भूटान है और आपका चाइना है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। फिर से इस टाइप का प्रश्न आ गया, तो यह क्या है, 3 ओर से पूछा गया, 3 से लगती नहीं, 3 ओर से। तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। फिर से पढ़िए, भारत का एक ऐसा स्थान जहाँ जो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर तथा हिंद महासागर, ये क्या होते हैं, मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, गलत स्टेटमेंट इनमें से हमें ढूंढना है। देखिए पहले नंबर ऑप्शन को अगर पढ़े तो कह रहा है कि कोंकण तट समुद्रातिक्रमण, ठीक है, से प्रभावित है, तो यह आपका सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की रचना मुख्यतः शैल और चूना पत्थर से हुई है, तो यह भी बी नंबर ऑप्शन भी सही है। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि अरावली पर्वत माला उत्तर के बृहद मैदान से महान सीमाभ्रंश द्वारा पृथक होती है, यानी कि अलग होती है, ऑप्शन सी भी आपका सही है। डी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि शिवालिक और गंगा द्रोणी के मध्य की सीमा सीमांत भ्रंश के नाम से जानी जाती है, ये ऑप्शन डी नंबर आपका गलत है। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारित की गई है वह कौन है, तो आप जानते हैं कि यह अध्यारोपित सीमा है और इसे रेडक्लिफ महोदय के द्वारा खींचा गया था, यानी कि खींचा गया था, उन्होंने एक सीमा का एक सीन, उन्होंने एक पेन लिया या कुछ भी लिया या कुछ लेके एक मैप पर
एक लाइन खींच दिया, वह आपका रेडक्लिफ महोदय के द्वारा खींचा गया, इसलिए उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। और यह क्या है, एक अध्यारोपित सीमा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 30। 30 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात की जाए तो उसके निकटतम है। जो ऑप्शन है उसमें आइजोल जो है आपका कर्क रेखा के नीचे निकटतम है यानी कि समीप है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमा अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होती है। तो देखिए, इसमें से एक राज्य है जिसकी अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ सीमा जो है वह साझा होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 32 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए, 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किनसे घिरा हुआ था। तो यह घिरा हुआ था चाइना, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि यह इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलय और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। तो यह लक्षद्वीप की अगर बात की जाए तो अरब सागर में क्या है, यह प्रवाल द्वीप वलय और प्रवाल भित्तियों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा कितने पड़ोसी देशों से साझा होती है। तो कुल मिला के यह 7 पड़ोसी जो देश है उसकी इसकी स्थल सीमा जो है वह साझा होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, इन सभी के साथ भारत की स्थलीय सीमा जो है वह संलग्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक जो है वह हो जाएगा आपका यंगून, जो कि कहाँ से है, पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से, भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे नज़दीक है यंगून। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमतम यानी कि पश्चिमतम बिंदु की अगर बात की जाए, देखिए उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिम और पूरब, इन सभी बिंदुओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह हो जाएगा आपका 68° 7' पूर्व गुजरात, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, पूछा गया है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश यानी कि जलमार्ग यानी कि 10° चैनल की अगर बात की जाए उसके द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि 10° चैनल जो है उसको अलग करता है। किसे अलग करता है, तो इसकी अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 38 की, जिसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान एवं निकोबार। इस 10° के चैनल के द्वारा अंडमान एवं निकोबार क्या होता है, पृथक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। 39 नंबर प्रश्न में अगर बात की जाए एडम्स ब्रिज की यानी कि राम सेतु की, तो यह किन दो देशों के मध्य स्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमात्रा और जावा, ठीक है, इसका सॉरी यह हो जाएगा भारत और श्रीलंका, ठीक है। ये तो आपका एक धारावाहिक बना हुआ था रामायण, वहाँ भी इसका जिक्र है, इसी से होकर राम जी श्रीलंका गए थे, तो मैं बोल कैसे दिया भाई, सॉरी। भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम सेतु ब्रिज यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म क्रमशः सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो यह जो है आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। प्रश्न में क्या कह रहा था कि भारत के राज्य का निम्नलिखित में से जो युग्म है उसमें सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी आपका यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल और सबसे पश्चिमी आपका हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो रसिया आपका बड़ा है, ठीक है, रसिया आपका बड़ा है, ब्राज़ील बड़ा है, कनाडा बड़ा है,
जबकि फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट मापा जाता है। तो किस तट से मापा जाता है, तो यह मापा जाता है आपका चेन्नई से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। भारत के किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। तो यह स्पर्श करती है त्रिपुरा, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मैकमोहन रेखा की अगर बात की जाए वह किस देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो आप जानते हैं कि यह जो है भारत और चाइना के मध्य मैकमोहन के द्वारा खींचा गया था एक सीमा, है ना, इसे ही मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि भारत एवं चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का उत्तरतम बिंदु यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो यह आपका हो जाएगा लद्दाख, ठीक है, उत्तरतम की अगर बात की जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, जो कि भूगर्भिक संरचना, ठीक है, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से संबंधित चैप्टर का प्रश्न है। तो इसका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में प्री कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है। तो यह पाई जाती है अरावली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। हिमालय एवं गिरिपात के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। तो यह की जाती है कहाँ पे, प्लेटों के अभिसरण से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके आपको क्या करना है, उत्तर बनाना है, उत्तर तक पहुँचना है। अब देखिए, पहला नंबर ऑप्शन में है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की अगर बात की जाए तो इसका जो है निर्माण जो है क्रिटेशियस ईओसीन काल में हुआ था, यानी कि ए का सही सुमेलन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दूसरे नंबर अगर ऑप्शन की बात की जाए पश्चिमी घाट की, ठीक है, तो इसका सही मिलान हो जाएगा लेट सेनोजोइक। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरावली अगर बात की जाए अरावली श्रेणी की, तो उसका निर्माण हुआ था आपका प्री कैम्ब्रियन काल में, सी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और नर्मदा अगर ताप्ती जलोढ़ निक्षेप की बात की जाए तो इसका निर्माण हुआ था प्लिस्टोसिन काल में, तो डी का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए राइट सुमेलन क्या है, ए का यहाँ पे 3 है, अब देखिए ए का 3 कहाँ पर कहाँ है, ए का 3 ऑप्शन बी और ए में है, तो डी और सी आपका गलत हो गया। फिर इसके बाद बी की अगर बात की जाए तो बी का 1 के साथ है, अब देखिए बी का 1 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5। 5वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में विद्वान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर, यानी कि पुराने से नए की ओर जो क्रम है वह कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि धारवाड़ जो कि सबसे पुराना है, ठीक है, और नए की ओर आना है, तो कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना, यह आपका क्या है, प्राचीनतम से नवीनतम की ओर है, जो भूवैज्ञानिक संरचनाओं से इनका निर्माण हुआ था वो पुराने से नए की तरफ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। 6ठा नंबर प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय की संरचना कैसी है। अगर बात की जाए मेघालय की संरचना की, तो यह क्या है, छोटा नागपुर और दक्षिण पठार के जैसा है, यानी कि उसी के सदृश है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया कहाँ घटित हुई थी। तो सबसे पहली ज्वालामुखी की घटना है जो आद्यकल्प के संबंध में पूछा गया है वह बिहार के डालमा पहाड़ियों पर हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वह कहाँ पाई जाती है। तो यह दामोदर घाटी में पाई जाती है, और यह अभिज्ञान बिंदु को जो आपने सेट अगर सारा किया होगा तो उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अगर बात की जाए दक्कन ट्रैप के तो इसके बारे में पूछा गया गलत स्टेटमेंट को। चलिए, इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है जो कि आपका गलत है, और इसकी रचना दरारी और केंद्रीय उद्भेदन से हुई है जो कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई है, यह ऑप्शन सी भी आपका सही है, और इसकी रचना मुख्यतः बेसाल्ट से हुई है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दक्कन ट्रैप के बारे में जो फैक्ट है वो फैक्ट आपका यह हो गया बी सी डी, और अगर पूछ रहा है कि दरारी उद्भेदन से हुई है, ठीक है, तो दरारी ही नहीं केंद्रीय उद्भेदन से भी हुई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि धारवार क्रम की जो चट्टाने हैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, यानी कि कौन सा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, तो यह हो जाएगा आपका चित्रदुर्ग और सिमोगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कालानुक्रम के आधार पर यानी कि समय के आधार पर अगर बात की जाए निम्नांकित का सही क्रम कौन सा है, यानी कि राइट सिक्वेंस की अगर बात की जा रहा है तो सबसे पहले अगर बात करें तो यह हो जाएगा अरावली, ठीक है, अरावली, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा पूर्वी घाट, फिर दक्कन ट्रैप और फिर आपका हिमालय, तो यह बी नंबर ऑप्शन जो है वह कालानुक्रम के आधार पर टाइम ऑफ समय के यानी टाइम ऑफ पीरियड के आधार पर यह आपका एक सही सीक्वेंस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ था, यानी इसके टूटने का अगर बात की जाए तो यह जुरैसिक युग में इसके टूटने का काम जो है वह काल प्रारंभ हुआ था, यानी कि जुरासिक युग से यह गोंडवाना लैंड टूटने लगा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, सबसे नए अगर बात की जाए चट्टान प्रणाली की जो नवीनतम है भारत में, तो यह हो जाएगा आपका गोंडवाना क्रम की जो चट्टाने हैं वह सबसे नवीनतम है। अगला प्रश्न है प्रश्न, और अगर सबसे पुराना की अगर बात की जाए तो आपने पढ़ा है, तुरंत पढ़ा है धारवार, पुराने में आ जाएगा और नया में आपका गोंडवाना आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, यानी कि जिसका संबंध दक्षिण भारत से भूवैज्ञानिक युग का नहीं है वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका फेनोजोइक काल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वारणमुख की अगर बात की जाए, ज्वारणमुख जो है वह कृत शिलाएँ कहलाती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे लमेटा मात्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत में पाई जाने वाली पूर्व कैम्ब्रियन चट्टानों की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी कि उसकी विशेषता की अगर बात की जाए तो देखिए उस क्रम की यानी कि पूर्व कैम्ब्रियन चट्टान थी वह क्या थी, यह अधिक रूपांतरित होती थी, ऑप्शन ए सही है, यह अधिक वलित भी होती थी और यह अजीवाश्मय होती थी यानी कि जीवाश्मयुक्त नहीं होती थी, तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है, फिर से यहां पे असत्य पूछा जा रहा है। देखिए यहां पे अगर प्रश्न को पढ़े तो यह अत्यधिक कायांतरित हो चुकी थी, किसकी बात की जा रही है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों की बात की जा रही है, तो यह अत्यधिक कायांतरित हो चुकी थी, तो यह तो आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इसमें जीवाश्मों के अवशेष बहुत कम मिलते थे, तो अभी तुरंत हमने पढ़ा है उसमें कम मिलते थे, तो यह भी आपका सही है, यह अत्यधिक वलित रूप में है, अत्यधिक वलित रूप में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट आदि इन चट्टानों के उदाहरण है, तो यह सही हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन नंबर सी जो है वह गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। धारवार समूह की चट्टाने पूर्णतः विकसित हुई थी, तो यह कब विकसित हुई थी, यह पूरा जीवी काल में विकसित हुई थी, यह धारवार समूह की जो चट्टाने हैं यह पूरा जीवी काल में जो है वह विकसित हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 19। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए एक तरफ क्या दिया हुआ है, एक श्रेणी दे रही है, उस श्रेणी की चट्टाने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, चंपानेर श्रेणी, इस श्रेणी में अगर बात की जाए तो इस श्रेणी में धारवार क्रम की चट्टाने मिलती है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कर्नूल श्रेणी,
अगर कर्नूल श्रेणी की बात की जाए तो उस क्रम में विंध्याने चट्टानें थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है आपका तालचेर श्रेणी या तलचर श्रेणी, तो उस समय में गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी, तो यह भी आपका सही है, यानी कि इसका मैचिंग 2 के साथ हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन की अगर बात की जाए पापाघानी श्रेणी, जो कि अभी आपने तुरंत इसे कवर किया है, तुरंत यह रिपीट हो गया है, यानी कि दोबारा इस प्रश्न की पुनरावृत्ति हुई है, तो यह आपका पापाघानी श्रेणी कुडप्पा क्रम की चट्टानें हो जाएगी। इस तरीके से अगर देखें तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चंपा श्रेणी का ए का हम 4 मिलाए हैं, तो ए का 4 कहाँ है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। फिर बी का मिलाए हैं 3 के साथ, तो बी का 3 आपका कहाँ पे हो जाएगा, बी का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर सी का आपका ऑप्शन नंबर 2 के साथ सही मैचिंग है, तो यह भी आपका सही है। और अगर बात की जाए डी का 1 के साथ है, अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, बी का आपका किसके साथ है, 3 के साथ, तो बी का 3 यहाँ है, बी का यहाँ पे 2 है, तो डी कट जाएगा, एकमात्र ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 20। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे जो कथन दिया रहा है उसमें से पूछा गया है कि उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है, यानी कि राइट स्टेटमेंट को हमें बताना है। अब देखिए आर्कियन चट्टानों का निर्माण जो है पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है, यानी कि जैसे जैसे वो ठंडा होते गया वो जमते गया तो इस चट्टान का निर्माण हुआ था, तो यह आपका एक आपका सही है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि धारवाड़ चट्टानें केवल प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है, जो कि आपका गलत है, और सेमरी श्रेणी में धारवाड़ चट्टानें मिलती है, यह भी आपका गलत है, ऑप्शन ए एकमात्र है जो आपका ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है, तो यह काठियावाड़ श्रेणी गुजरात में स्थित है, और आप जानते भी हैं एक जगह भी पड़ता है इस तरीके का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। खनिज संसाधन के दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका धारवाड़, जो खनिज की दृष्टि से काफ़ी जो क्या है परिपूर्ण है, संपूर्ण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी प्राचीनतम है, यानी कि पुरानी अगर बात की जाए तो सबसे पुरानी हो जाएगी बृहद हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, पूछा गया है कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला यह जिला नहीं है, रोहतास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या एक, जो कि आपका भौतिक स्वरूप फिजिकल स्ट्रक्चर चैप्टर से लिया गया है। तो पहला प्रश्न है गारो खासी जयंतिया की अगर बात की जाए तो यह पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, यह पहाड़ी की अगर बात की जाए गारो और खासी जयंतिया पहाड़ियाँ, यह आपका मेघालय में पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस यानी कि पार हिमालय उससे सम्मिलित नहीं है, इसमें से पूछा गया है कि यह जो पर्वत श्रेणी का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन श्रेणी जो है वह ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो यह क्या है, लद्दाख सम्मिलित है, जास्कर श्रेणी है, काराकोरम है, लेकिन शिवालिका श्रेणी जो है वह ट्रांस पार हिमालय से सम्मिलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवालिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका काराकोरम, जबकि लघु हिमालय बृहद हिमालय और यहाँ पे शिवालिक जो है वह जो है हिमालय की पर्वत श्रेणियों में शामिल है और काराकोरम जो है उसमें शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चौथे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा इसमें से कौन सा है, अगर बात की जाए कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ने वाली दर्रे की, तो यह आपका हो जाएगा जेलेपिला दर्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। पाँचवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अपरदन हुआ है उच्च हिमालय में, ऑप्शन नंबर ए। पाँचवें नंबर प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ डाउट लग रहा है। पाँचवें नंबर प्रश्न को पढ़े कि हिमालय में सबसे गहन, अच्छा ठीक है, सबसे गहन अपरदन की अगर बात की जाए तो यह आपका उच्च हिमालय में नहीं होगा, शिवालिक उपांत में होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6।
छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल यानी कि डिजर्ट है, इसमें से जो दिया हुआ है मध्य भारत, गंगा क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र और असम क्षेत्र, यह कौन सा डिजर्ट के अंतर्गत आता है, तो यह आपका हो जाएगा सिंधु क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सातवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता, तो इस कंडीशन में अगर बात की जाए तो यह होता देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता और सिंधु घाटी मैदानी इतनी सुविस्तृत और जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ठीक है, और मानसून का प्रतिरूप जो है वर्तमान से भिन्न होता, जाहिर सी बात है सारे पर असर पड़ता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। उत्तराखंड में किस भाग में पातालतोर कुआ पाया जाता है, तो पातालतोर कुएं की अगर बात की जाए तो यह तराई क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है, अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा हिमालयी राज्य आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, देखिए वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है ना, पश्चिम से पूर्व की अगर बात की जाए तो पूछा गया है कि वह सही क्रम कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका पश्चिम से, याद रखेंगे यह वेस्ट है, मान लेते हैं इधर से वेस्ट है आपका और इधर ईस्ट है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, जो कि कहाँ है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। केरल का कुट्टानाडा या कुट्टानाडु की अगर बात की जाए वह क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह भारत के न्यूनतम यानी कि सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए जाना जाता है, केरल का कुट्टानाडु या कुट्टानाड क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पे असत्य है यानी कि गलत कहा गया है, पहला ऑप्शन है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो यह सही है। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन भी आपका सही है। सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है, तो यह सी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और डी नंबर अगर बात की जाए तो भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है, तो आपसे ये भी प्रश्न पिछले प्रश्न में भी पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कोयले का बृहत्तम भंडार किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो वह गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो यह डी नंबर ऑप्शन सही है, एकमात्र आपका गलत है ऑप्शन नंबर सी, जो आप हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, तो यह किस चीज़ का उदाहरण है, गिरिपाद की स्थिति का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। दोस्तों वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, बेहतरीन सेशन आपके लिए लाया गया है, तो एक लाइक तो बनता है और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे, और जो भी व्यूवर्स इस चैनल पे पहली बार हैं तो वह सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चूँकि दरोगा, बिहार SSC और भी अति महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है जिसकी तैयारी यहाँ पर आपको कराए जाएंगे, तो आप जब एग्जामिनेशन दे के आएंगे, जो मैंने सेशन करा रहा है अगर उसको आपने पूरा पढ़ा है तो एग्जामिनेशन दे के आएंगे तो आपका बेहतर स्कोर आएगा, ये मुझे विश्वास है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसे भावर कहा जाता है, भावर प्रदेश के नाम से भी आप जानते हैं, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और एग्जामिनेशन में आता भी है इस प्रकार का प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से यानी कि ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात की जाए पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, तो यह हो जाएगा कंचनगंगा। अब कहाँ से जाएंगे, पूर्व से, यह आपका ईस्ट मान लेंगे और यह आपका वेस्ट मान लेंगे, तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर जाएंगे तो शिखरों का सही क्रम कौन सा है, तो यह कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय कितनी है, तो यह हो जाएगा इसका आंसर
कम है, ठीक है। औसत ऊंचाई की बात में पूछा गया कि अधिक है, कम है, समान है, तो यह कम है। 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो यह स्थित है लघु हिमालय की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे अंडरमार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। लघु हिमालय जो है वह किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो यह स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। देखिए दक्षिण यानी कि साउथ से लेके नॉर्थ की ओर, अगर हम इस तरीके से अगर करेंगे तो नॉर्थ इधर होता है, रियल में अगर करेंगे तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इसी को आधार माने, ठीक है, इसी को अगर आधार माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पूछा गया है कि दक्षिण से जाना है यानी कि इधर से ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए शुरुआत हो जाएगा शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय, ठीक है, तो यह साउथ से आपका नॉर्थ की ओर क्रमिक जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहा है कि उपरोक्त जो उच्चावच आकृतियाँ का दक्षिण से उत्तर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ जाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है, तो इसका क्रम हो जाएगा सबसे पहले आपका आ जाएगा धौलाधर, धौलाधर यानी कि ऑप्शन को लिखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद आ जाएगा आपका जास्कर पर्वत श्रृंखला जो कि ऑप्शन नंबर एक है, फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो वह आ जाएगा आपका लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो कि ऑप्शन नंबर तीन है, और फिर आपका काराकोरम आएगा, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो कि ऑप्शन नंबर चार है। इस प्रकार से इसका राइट मैचिंग हो क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर जो है उच्चावच आकृति का वह सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षाई चिन्ह का भाग है, अक्षाई चिन्ह का भाग है इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है लद्दाख का पठार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सबसे बड़े हिमनद की बात की जाए तो यह आपका रुंडन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन से हैं, यानी कि जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सबसे नवीनतम हो जाएगी पटकाई श्रेणियां ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है, ठीक है, यहाँ स्थित लिखा हुआ है, कहाँ स्थित है पीर पंजाल अगर श्रेणी की बात की जाए जो कि आपका जम्मू एवं कश्मीर में पड़ता है ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है यानी कि सबसे पुराना है, तो यह हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो यह जो है कश्मीर घाटी की अगर बात की जाए वह बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य पड़ता है हमारा कश्मीर का घाटी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यह प्रश्न फिर से पुनरावृत्ति हो रही है, यह आपका हो जाएगा सबसे इस माने ऑप्शन को भी तो देखना है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हो जाएगी आपका अरावली ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, रेसिड्यूअल माउंटेन की अगर बात की जाए तो यह हो जाएगा आपका अरावली जो कि सबसे अवशिष्ट पर्वत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, तो इसके मध्य जो है सतपुड़ा की श्रेणी है, कहाँ पे, नर्मदा और ताप्ती जो नदी है उनके मध्य सतपुड़ा की श्रेणी स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, फिर से यहाँ नहीं आ गया है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कामेट है, नामचा बरवा है, नंगा पर्वत है, आपने नाम भी सुना है, जबकि यह जो है गुरला मांदता जो कि भारत में अवस्थित नहीं है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, कहाँ से उत्तर से जाना है, नॉर्थ टू साउथ,
इस क्रम में आपसे पूछा जा रहा है कि सही क्रम पहाड़ियों का कौन सा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए नल्लामाई पहाड़िया, जावादी पहाड़िया और नीलगिरी पहाड़िया, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़िया, यह क्या है, इसका क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हुए पूछा गया है, तो वह कौन सा होगा। तो यह आपका हो जाएगा सबसे पहले आपका महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पठार और खांसी की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट सीक्वेंस में है, सही सीक्वेंस में दे रखा है। यह क्या है, उच्चावच आकृति है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 32। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य जो पश्चिमी घाट पड़ते हैं उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो यह हो जाएगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वह कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि इसमें से गलत है। देखिए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यह आपका ऑप्शन गलत है, जबकि बी अगर पढ़िएगा तो पश्चिमी घाट में अनामुडी जो पर्वत है, अन्नामुई पर्वत, वह सबसे ऊंची चोटी है, तो यह आपका सही है और यह एग्जामिनेशन में बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी बीपीएससी में पूछा गया था, तो यह आपका बी सही है। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में स्थित है, तो यह भी सही है। और डी में क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है, तो डी नंबर ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, तो यह हो जाएगा अजंता, यह एक ही राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 36। 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण और पश्चिम में लगभग, ठीक है, पश्चिम की बात कर रहा है एक साथ और दक्षिण पश्चिम की बात अलग कर रहा है, ठीक है ना, उस पश्चिम से दक्षिण पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है और इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है। तो इस पर्वत को जो है रमन सागर पर्वत के नाम पर जाना गया है, रमन जी के नाम पर रखा गया है रमन सागर पर्वत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 37। 37 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। तो इसे कोंकण तट कहते हैं, किसे कहते हैं, पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। पाक जलड मरुमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से कौन सा देश भारत से पृथक होता है, यानी कि अलग होता है। फिर से पढ़िए, पाक जलड मरुमध्य है और मन्नार की खाड़ी, ठीक है, इसके द्वारा निर्मित जो है वह संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से कौन सा देश भारत से अलग होता है, तो यह हो जाता है आपका श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। व्हीलर द्वीप की अगर बात करें उसका नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम जो रखा गया है अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका मरीना तट जो कि तमिलनाडु में है और यह है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है, जो कि है आपका सिपकिल्ला अगर बात की जाए तो यह दर्रा जो है वह सतलज नदी घाटी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, तो इस दौरान जो है उन्हें नाथुला दर्रे को पार करना पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, यह सेशन का अंतिम प्रश्न है, फिर इसके बाद पार्ट टू पार्ट थर्ड लेके हम आएंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, साल्टोरा साल्टोरो पर्वतमाला
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में के एक अंग के रूप में है। यह एक काराकोरम पर्वत है, उसका एक भाग है, जिसे साल्टोरा पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाद बाकी ज्योग्राफी के प्रश्न के लिए हम लोग पार्ट टू वीडियो का इसका पार्ट टू बनाएंगे, फिर पार्ट थर्ड में मिलेंगे, ठीक है। तब तक क्या करेंगे, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख जाएंगे, आपका बहुत सारा प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएगा और एग्जामिनेशन में इसी से यानी कि एनसीईआरटी से ही जुड़े बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूर्णतः वॉच करेंगे, किसी भी तरीके का डाउट होगा तो वह कमेंट के माध्यम से आप हम तक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद।